हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है MySQL की, यानी MySQL की। तो आज हम बात करेंगे आगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। यहां पर मैं पासवर्ड डाल लेता हूं ताकि हम इस पर आगे काम करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम करना है डेटाबेस बनाना। आपको डेटाबेस हालांकि मैंने पहले बनाना सिखाया है, लेकिन चलिए फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए लिखना है क्रिएट, और यहाँ लिखना है डेटाबेस कुछ इस तरीके से। और डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा, जैसे स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट डी कर देता हूँ, स्टूडेंट डी के नाम से ये डेटाबेस मैं बना रहा हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, यानी कि एक आपका ये हो गया है, ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया है। अब इसी का यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कीवर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा यूज, और डेटाबेस का नाम क्या दिया, स्टूडेंट डी। तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्टूडेंट और फिर लिखिए डी, यानी हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप टर्मिनेट कर दीजिए सेमीकोलन देकर के। अब हम इस डेटाबेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले क्रिएट टेबल। तो टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। और टेबल का नाम क्या दे देते हैं, तो टेबल का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट। टेबल दे देते हैं स्टूडेंट टी, यानी टेबल, ओके। तो ये स्टूडेंट टी नाम से टेबल बना रहे हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, गैप मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रोल नंबर देने के बाद रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप होगा, मैंने आपको बताया था, आप नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, तो ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे देखिए गैप नहीं दे रहा हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट कैर डेटा टाइप होगा, कैर, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, तो ये 20 हमने इसकी साइज भी मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और भी इसमें देना हो तो आगे और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें क्लास देना हो, क्लास, ठीक है। तो क्लास कौन सा डेटा टाइप होगा, ये भी कैर डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पर कैर कर देता हूं और यहाँ पे साइज रख देता हूँ 3, ठीक है। तो ये कर दिया, अब इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे जो ओपन हुआ था रोल नंबर से, ठीक है। और यहां पर इसको करेंगे टर्मिनेट। तो जैसे ही टर्मिनेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये एक्सिक्यूट हो गया है, ये सही से एक्सिक्यूट हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे डी ई एस ये सी करके लिख देंगे, ये कीवर्ड लिखेंगे। और टेबल का नाम हमारे क्या था, स्टूडेंट टी था। तो यहाँ पे देना है स्टूडेंट टी, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा स्टूडेंट टी। और यहां पे लगा दीजिएगा टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन। जैसे ही करिएगा तो यहां पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, अब यहां से हमें समझना है आगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ चीजें इंसर्ट कराएंगे। ये तो भाई हमारा बन गया, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर चीजों को कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो यहां पे एक कीवर्ड लिखेंगे इंसर्ट इनटू, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस है यहां पर भी, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर में लिखते थे, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लिखते थे, बिल्कुल वही प्रोसेस यही यहां पर भी है। तो चूंकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी चीजें आपको सेम मिल जाती हैं। और यहां पर किसके अंदर इंसर्ट कराना है, तो यहां पर मैं कर देता हूं स्टूडेंट डी टी, स्टूडेंट टी के नाम से था ना, तो ये स्टूडेंट टी कर दिया। इसी के अंदर हमें इंसर्ट कराना है, और कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिखा हमने। और वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर 1 लिख के कॉमा दे देंगे। ध्यान रखिएगा जब नाम देंगे तो नाम को हम सिंगल लोटेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ अमित, ठीक है। तो ये पहला नाम हमने अमित रख दिया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पर क्लास की बात करेंगे, तो क्लास यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्लास में रख देता हूं लाइक 12 रख दिया क्लास। अब 12 रखने के बाद क्या करना है, इसको बंद करना है और यहां से कर देना है टर्मिनेट। तो ये टर्मिनेट हो गया, आप एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आ रहा है एरर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। टर्ट के बाद इंटू में गैप रहता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए बाकी सब सही है। तो यहां पर दोबारा से लिख लेते हैं इंसर्ट इंटू, जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सारी चीजें सही है, बस बीच में एक बार गैप करना था। और यहां पर स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी आएगा ना, तो यहां पर कर लेते हैं स्टूडेंट टी। किसमें इंसर्ट कराना है, तो स्टूडेंट टी वाले टेबल में ही इंसर्ट करवाना है। अब यहां पर वैल्यूज देंगे हम, तो ये दे दिया वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या देंगे, जहां पे रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 कर दिया कॉमा, नाम क्या देंगे अमित दे देते हैं, अमित सुमित कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो ए कर देते हैं, इसे अमित हो गया, ठीक है। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा देंगे तो यहाँ क्लास को मेंशन करना है, तो क्लास 12 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहां से बंद करेंगे, बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ
ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया हमारा कमांड। अब आपको क्या करना है, अब इसमें से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीवर्ड का यूज जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मान लीजिए कि हम नेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, नेम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट को। तो यहां लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूं मैं, नेम ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। हम नेम ऑफ स्टूडेंट को क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। कहां से आएगा ये, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी। तो ये टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, ठीक है। और यहां से टर्मिनेशन देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं नीचे स्टूडेंट का नाम ही सेलेक्ट होकर आया है, केवल देख सकते हैं। ये बहुत आसान है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चाहते हैं कि इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर और सारी चीजें हम सेलेक्ट करें, सारी चीजों को लेके आए। तो वो कैसे होगा, तो फिर यहां से प्रयोग कीजिए सेलेक्ट कीवर्ड का। और सेलेक्ट कीवर्ड जैसे ही हम लगाते हैं तो यहां पे लगाना है हमें एस्ट्रेक सिंबल, और कहां से सेलेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट टी, यही जो टेबल है इसी में से हम सेलेक्ट करेंगे और यहां टर्मिनेशन देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर पूरी डिटेल आ रही है, देखिए रोल नंबर भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है और क्लास भी आ रहा है, आ रहा है ना। अगर इसमें कुछ और आगे इंसर्ट कराना हो तो यहां पे वापस से लिखना होगा इंसर्ट इनटू, इस तरीके से लिख दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था इंसर्ट इनटू। और किसमें इंसर्ट कराना है, तो स्टूडेंट टी नाम की जो टेबल है उसी के अंदर इंसर्ट कराना है। यहां पर वैल्यूज करते हैं और वैल्यूज में क्या क्या दे देंगे, जैसे टू, यहां टू दे दिया, रोल नंबर टू है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। और यहां पे लिख देता हूं अगला नाम, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं अंबिका, अंबिका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये लिख दिया अंबिका, तो ये एक नेम हो जाएगा। तो नेम को हमेशा सिंगल इंटेड कॉमा में रखेंगे हम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर नेम हमने लिख लिया है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको यहां पे इस तरीके से। तो ये सिंगल इंटेड कॉमा में नाम लिख दिया हमने, नाम लिखने के बाद यहां पे लगाइए कॉमा। कॉमा जैसे ही लगाएंगे तो कॉमा लगाने के बाद अगला स्टेप हमें फॉलो करना है क्लास का। तो यहां क्लास 12 कर देते हैं, क्लास 12 करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेट कर दीजिएगा, जैसे ऊपर दिया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी दे दीजिए और बस आपको प्रेस करना है एंटर। तो यहां पर यह लिखा हुआ आ गया, देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फिर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं सेलेक्ट कीवर्ड, हमको पूरा ही रिकॉर्ड देखना है। तो यहां पे एस्ट्रेक यानी स्टार सिंबल लगा करके और कहां से सेलेक्ट करना है वो केवल दे देना है। तो फ्रॉम स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी यानी टेबल से सेलेक्ट करना है और यहां पे टर्मिनेशन देकर के एंटर करिए। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अमित का भी नाम और अंबिका का भी नाम दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये टेबल बन कैसे रहा है, और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होती जाएंगी इसी तरीके से। जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बीसीए करते हो या जिस भी स्टैंडर्ड में अगर आपको पढ़ना पड़ता है MySQL, तो उसमें आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, चलिए आगे के वीडियोस में और भी चीजें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।